चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है और दुनिया की ये एक बड़ी खबर है। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार बॉर्डर पॉइंट्स पर, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि चार पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। ताइवान घाटी झड़प को 4 साल हो गए हैं, तभी से भारत चीन के रिश्ते और तल्ख हो गए थे। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात ही मनवा सकता। चीन लगातार गलवान घाटी में डटा हुआ था, लेकिन अब ये तल्खी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहाँ रहा और उसको समझ लगे कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। दरअसल 4 साल गलवान घाटी में डटे रहने के बाद चीन ने वहां से अपने सैनिकों को पीछे हटने को कहा है। तो डेफिनेटली ये चाइनीज मेल्टडाउन है। इसकी वजह ये है कि चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए। लेकिन सवाल है कि 4 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। चाइना की गले की हड्डी बन गया है, चाइना के गले की हड्डी भारत, क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते ना हाई अल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। चाइना के पास कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है। इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन है, रियल एस्टेट की बात करें, इन्फ्लेशन लगातार वहाँ पर बढ़ रहा है। चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसका देखिए, मैं पहले आपको बताऊंगा खबर, फिर मैं आपको जियोपॉलिटिकली एनालाइज करके बताऊंगा कि हो क्यों रहा है ये। ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा, ये हुआ क्या? ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को ये रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को, 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ, अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं। और इन्होंने बोला है, इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली, द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है, 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो, आंखें दिखाना, देखो हमारे ट्रूप्स जो है ना वो एक्लेमेटाइज्ड है। मैंने बात करी एक दो लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे, उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है, चाइनीज फौज को आदत नहीं है। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, वो समझा रहा है मुझे, मुझे ही देख लीजिए, आज से 2.5 साल पहले मैं सियाचिन में था, मेरी पोस्ट 20,000 फुट थी अबव सी लेवल, 20,000 फीट अबव सी लेवल पे मैं पोस्टेड रहा सियाचिन पे। अगर मैं सियाचिन पे रह सकता हूं तो गलवान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, गलवान तो नीचे है ना। और तो किसी का ये कहना कि साहब इंडियन आर्मी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर, हम तो वहां पे हैं यार, कब से हैं सियाचिन पे, 1984 से हैं, 84 से हम लोग सियाचिन पे, और उसके बाद कितनी कितनी और चीजें हो गई यार, कितनी कितनी और चीजें हो गई हैं। भारत की जो फौज है, मैं कोई ऐसी दुनिया में फौज नहीं है दोस्तों, एनी, मैं एक चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है, कोई भी एक ऐसी आर्मी का आप नाम बताइए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं साहब 9,000 फीट अबव सी लेवल के बाद वाली जो हाइट्स होती हैं, उसकी ऊंची हाइट्स होती हैं, उससे मोर देन 9,000 फीट से ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है? We have been deployed forever, यार हम तो आजादी के बाद से डिप्लॉयड है हाई अल्टीट्यूड एरियाज पे, हमारी आदत है।
हमारे यहां तो हाई एल्टीट्यूड का रिबन मिलता है, आप हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय हो जाइए आपको रिबन मिल जाएगा। मतलब हम लगाते हैं कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर सर्व करा है हमने, तो देर आर पीपल इन द इंडियन आर्मी। कोई इंडियन आर्मी वाला ऐसा बंदा नहीं है जिसकी 20-25 साल की नौकरी और 3-4 बार हाई एल्टी उसने ना काटा हो। हम लोग तो जाते जाते हैं, चाइनीज को आदत नहीं है। तो अब चाइनीज ने बोल दिया है कि साहब हम डिसंगेज करेंगे, डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया चार जगह से, उन चार में शामिल गलवान भी है। गलवान में इसलिए नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि आप सब लोग गलवान को जानते हैं अच्छे तरीके से। चाइना को यह भी पता चल गया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ही उसके बेनिफिट में है। चाइना को यह भी पता चल गया कि अगर उसने ये डिसंगेजमेंट ना की तो इंडिया और भी ऐसे स्टेप्स उठाता रहेगा जैसे कि उसने अभी उठाए। उसने फ्लाइट्स नहीं खोली, इंडिया को बार बार चाइना ने कहा, इंडिया ने बात नहीं मानी। कई एक ऐसी वहां पर जगह जिनके नाम चेंज कर दिए गए। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। इंडिया ने खुद से कभी कोई अग्रेशन शो नहीं किया, लेकिन चाइना जो करता था उसका जवाब बड़े ही तरीके से भारत देता रहा है। चाइना को यह भी पता चल गया कि उसको अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडिया के साथ जारी रखनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी ऐप्स से लेकर और तमाम ऐसी जो वहां पर चल रहा है इंडिया में उसका बिजनेस, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। चाइना ये भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस इंडिया के साथ खराब हो। उसकी जो कोशिशें थी, ये जो सारी हमें जो वहां पर हुआ 2020 में गलवान क्लैश और जो भी सिलसिला चलता रहा चाइना और इंडिया के बीच, लद्दाख और जो वो सब, चाइना कोशिश ये कर रहा था कि उसके सामने जो इस वक्त एक बड़ी ताकत आ रही है उस ताकत को वो हरा दे, डरा कर, धमका कर, इस तरह की चीज़ें करके। और ये चाइना का एक वतीरा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उसने किया हो। अभी भी ये कैमोफ्लाज है, या उसने वाकई ऐसा करके जो है वो दिखाया है, या उसको मजबूरन करना पड़ गया है, ये हमें आइंदा आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी हम इसी पर रहते हैं। तो चाइना ने वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकता था, लेकिन उसको ये पता चल गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब वो वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर मेरे ये वाले हरबे काम नहीं आएंगे। और चीन को ये भी पता है कि अगर सिर्फ ये जो एंगेजमेंट थी बॉर्डर्स पर या जो कुछ उसने किया था, अग्रेशन जो भी था, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, जंग होगी, तो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि चीन का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो ये भी जानता था कि अगर भारत पीछे जाएगा तो वो भी, चीन तो अब भारत से आगे है ना, तो वो तो फिर और पिछले नंबर पर आ जाएगा, वो भी तो आएगा। उसको ये भी पता था, जंग भी उसने फुल फ्लैज कोई जंग भी नहीं करनी थी। लेकिन चीन की जो कोशिशें थी वो ये थी कि ये सब एक्टिविटीज करके वो इंडिया को जो है वो उस पॉइंट पर ले जाए जहाँ पे इंडिया कहे कि चलो ठीक है, देखो तुम इस तरह ना करो, चलो हम तुम्हें जो है वो क्या चाहिए बताओ, और हम इस तरफ से हट जाते हैं, हम इनसे अपनी एंगेजमेंट कम कर देते हैं, चले हम जो है रशिया के साथ जो है वो ये कर लेते हैं, चले हम वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा डरा धमका कर। वो चाइना नहीं कर पाया। ये चाइना ने घुटने टेके हैं इंडिया की डिप्लोमेसी के सामने। फौज के सामने घुटने टेकना इतना मुश्किल नहीं होता जितना डिप्लोमेसी अपने सामने मिलिट्री को, किसी मुल्क को, अपने से बड़ी इकोनॉमी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे।